श्री कृष्ण के पांच सबसे बड़े शत्रु कंस से ज्यादा खतरनाक था बहुरूपिया पौंड्रक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार दो दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी आठवें दिन मनाई जाती है। इस बार 23 और 24 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आइए इस अवसर पर आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन में उनके पांच सबसे बड़े दुश्मन कौन थे। कंस श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे चलकर श्री कृष्ण ही कंस की मौत का कारण बने। जरासंध कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुँचे, लेकिन उसे इस धोम के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तिनके के दो हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका, भीम इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को बीच में चीर कर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यवन में होगा। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। काल्यवन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल्यवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। काल्यवन ने जैसे ही मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान मिल रखा था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। ये यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें शांत किया और यज्ञ करने को बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने एक और अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया हुआ है और वो अब पूरे हो चुके हैं। शांत बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसे ही गाली दी तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। पौंड्रक खुद को श्री कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मुर्मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। पौंड्रक की हर गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगे थे। इस बीच पौंड्रक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए।